गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन से काइन मास्टर एप्लीकेशन की मदद से टेक्स्ट ट्रैकिंग कैसे कर सकते हो। दोस्तों, ये मेरा हाथ है, अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ और ऊपर एक टेक्स्ट आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा हो। ये चीज़ मैं अपनी वीडियो में कैसे ट्राई करता हूँ, और बेसिकली अभी स्टार्टिंग में जो आपने वीडियो देखी थी वहाँ पर भी मैंने टेक्स्ट ट्रैकिंग का यूज़ किया है, और आप भी इस टेक्स्ट ट्रैकिंग का यूज़ कैसे कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन में टेक्स्ट ट्रैकिंग का यूज़ करके काफ़ी बेस्ट वीडियो बना सकते हो, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो अपनी कुकिंग वीडियोस में, अपनी व्लॉगिंग वीडियो में, और यहाँ तक कि आप अप्लाई कर सकते हो आप अपने अनबॉक्सिंग वीडियो में भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ से आपको अपनी उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो पे आप टेक्स्ट ट्रैकिंग करने वाले हो। तो यहाँ से मैं उस वीडियो को अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे वीडियो ले ली है। इसके बाद यहाँ पे टिक के आइकन पे क्लिक करूँगा और इसको इस तरह से अपनी फिंगर की सहायता से खिसका के इसको स्टार्टिंग से ले आऊँगा। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको लेयर के ऑप्शन पे जाना है, फिर आपको मीडिया के ऑप्शन पे जाना है, इसके बाद यहाँ पे इमेज के ऑप्शन पे जाना है और एक ब्लैक बैकग्राउंड आपको यहाँ पे ले लेना है, और इसको यहाँ से इस वाली स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ पे सीजर के बगल में जो आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करके यहाँ पे इसको फुल कर देना है। फुल करने के बाद यहाँ पे ये जो हमारा लेयर बन के आ गई है, ये हमको यहाँ पे इस पे अपने फिंगर को रखना है और इसको लास्ट इस तरह से आपको ले आना है, अपनी फिंगर की सहायता से इसको ले आना है आपको इसको। फिर यहाँ पे हमको क्या काम करना है, अब देखिए आप, अब यहाँ पे हमको जाना है लेयर के ऑप्शन पे, इसके बाद हमको जाना है हैंड राइटिंग के ऑप्शन पे, इसके बाद यहाँ पे हमको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है फर्स्ट वाले, और इसके बाद हमको यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रॉ करना है इस तरह से, इतना ड्रॉ करने के बाद फिर यही पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया, अब यहाँ पे फिर हमको अपने फिंगर को रखना है और ये ऊपर की तरफ इस तरह से ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ कर लिया मैंने, अब यहाँ पे हमको यहाँ पे एक काम और करना है, हमको जाना है इस वाले ऑप्शन पे, और इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद ये पेंसिल का आइकन देख रहे हो इधर वाला फोर्थ नंबर पर, इस पर क्लिक करना है और इसकी लेंथ को थोड़ा सा हमको बढ़ा लेना है। यहाँ से ये हमने बढ़ा लिया और यहाँ पे हमने जो ये लकीर पहले वाली ड्रॉ की थी यहाँ पे हमको इसको एक पॉइंट रखना है इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट रख गया। इसके बाद यहाँ पे हमको टिक के आइकन पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके इस वाली लेयर पे इसको भी हमको लास्ट तक ले आना है इस तरह से। फिर हमको इसको स्टार्टिंग से लाना है, ऊपर टिक के आइकन पे क्लिक किया, लेयर पे गए, टेक्स्ट के ऑप्शन पे हमको जाना है, इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, फॉन्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से हम फॉन्ट ले लेंगे ये सेरिफ वाला सिंटेजल ब्लैक, इस पे हम क्लिक करके टिक के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका डिज़ाइन चेंज हो गया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह से साइड में लगा देंगे और इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से अपने हिसाब से। ये देखिए, यहाँ पर बन गया ये। इसके बाद इस वाले हैंड राइटिंग वाले ऑप्शन पर जाके इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर जाना है, ये जो ब्लैक जगह दिख रही है खाली जगह, इस पर हमको एक बार टैप करना है और यहाँ पे फिर हमको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ से, और आने के बाद यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिखेगा कैप्चर एंड एज लेयर, इस पर हमको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, इसका एक फ़ोटो खींच के यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा, बाकी की ऊपर की जो चीज़ें हैं उन पर हमको क्लिक करके यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर करके डिलीट कर देना है सभी को। ये हो गए डिलीट। अब यहाँ पे हमको ये कार ड्राइविंग वाला, ये भी हमको डिलीट कर देना है। इसके बाद इस वाले लेयर पे हमको क्लिक करना है और इसको लास्ट तक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिखेगा, नीचे की तरफ थोड़ा सा जाएंगे, यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिखेगा ब्लेंडिंग का, इस पर हमको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन, इस पर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर इफेक्ट बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिए, अब यहाँ पर जहाँ से हमारी कार आती है वहाँ से हमको इसको कट करना है अपनी ये कार ड्राइविंग वाला जो हमने टेक्सचर बनाया था। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि कार कहाँ से आ रही है। ये देखिए, नीचे कार आ गई यहाँ से। तो यहाँ पे हमको पहले यहाँ से इस चीज़ को डिलीट करना है। तो इस वाली लेयर पे हमको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे हमको सीजर के ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रिम टू लेफ्ट दो प्लेस्ड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमको इसको थोड़ा सा छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए हमको यहाँ से अपने फिंगर की सहायता से इसको छोटा करना है। यहाँ पर कार ड्राइविंग भी लिखा हुआ आ रहा है। फिर हमको इसकी छत जो देख रहे हो, यहाँ पर एक कार की छत देख रहे हो, इसके ऊपर यहाँ पे हमको इस पॉइंट को रखना है इस तरह से। अब यहाँ पे हमको की एनिमेशन का यूज़ पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको एक की एनिमेशन दिख रही है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इस पर हमको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाना है, इस लेयर को बहुत ही आराम से ये काम करना है हमको।
और इसकी जो ये छत है इसके ऊपर हमको ये पस पॉइंट रखते जाना है। हल्का हल्का हमको यहाँ पे अपनी वीडियो को बढ़ाना है और ये कार की छत पे हमको पस रखते जाना है जल्द से जल्द। तो फटाफट हम सभी में कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बारी बारी से बहुत से पॉइंट रखे हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम तो लगा है मगर यहाँ पे जो इफेक्ट बन के तैयार हुआ काफ़ी अच्छा बन के तैयार हुआ। अब यहाँ पे मैं प्ले करके देख लेता हूँ। ये दोस्तों देखिए कार के साथ साथ यहाँ पे मेरा टेक्स्ट भी चल रहा है और बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको एडजस्ट किया है तो इसके साथ साथ ये जा रहा है। अब दोस्तों ये जो इफेक्ट वगैरह है अगर आप व्लॉगिंग वीडियो करते हो तो यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत तो है मगर ये वीडियो में आपकी चार चांद लगाने वाला है। तो अगर इस चीज़ को आप ट्राई करते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आप इसको बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाने के बाद इसको कर लेना है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट करने के बाद आपकी वीडियो यहाँ पर रेडी। तो चलिए अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी वीडियोस में किस तरह से टेक्स्ट ट्रैकिंग का यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो बताया था वो मैंने कार के ऊपर टेक्स्ट ट्रैकिंग करके बताया था। आप अपने स्मार्टफोन, कुकिंग वीडियोस, व्लॉगिंग वीडियोस, इन सब चीज़ों में इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी वीडियो को थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का एडिट कर सकते हो जिससे कि आपके व्यूअर को काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव लगेगा। तो इस चीज़ को ट्राई करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दो जिससे कि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नई उड़ान के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ, काइंड मास्टर की एडवांस लेवल की एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए #अतिक पॉइंट।